वाले हमको वालिद साहब भी नहीं है, हमारे वालदा घरों में काम करके खाने वाले है भाई बोला, बड़े बड़े लोगों के नाम वाले के हम पुलिस में देते जेल में डालते ऐसा ऐसा बोल के हम लोग को डराए उन्होंने। अब क्या करना आप लोग, बोला आप तो कौन हेल्प करते हमारी, क्या करना बोलो आप, पुलिस का डर दिखाते थे 2-3 साल से, अब गरीब का फायदा उठाए उन्होंने, क्या बोलना हम लोग। हम लोग कंचनबाग PS में आए हुए हैं, बच्चे के नाम पे कंप्लेंट लिखा है। बच्चे का नाम इरफान है, उनके बाबा का नाम वहाँ खदीर है, खदीर साहब है। बच्चा ऐसा ऐसा करा, वो क्या करता था, बच्चा आता था हमारे बहन से, हमारी बहन शादीशुदा है, उनसे ऐसा बोला, डराता था, धमकाता था, घर आके मोहल्ले में 8 दिन से चकरा कर रहा था, गली वाले पकड़ के जब मारे तो हमारे घर को खटका मार के बच्ची को लेके भागा, शादी कर दो मल के ले गया, आज आके कल आके छोड़ के चले गया उनको। और शादी करे नहीं, ऐसा भगा के लग गए उनको, पूना लग गए कहते, हम लोगों को भी नहीं मालूम था पूना लग गए कहते, हाँ पूना लग गए कहते, 3-4 दिन थे कहते वो लोग, कल ला के उनके घर पे छोड़े, बच्ची को लेके जाओ बोल के बोल रहे, हम लोग को शादी नहीं करते बोल रहे। अब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर रहे थे, नहीं 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 दिए थे उनके वालों ने, हम लोग फोन बहुत बार ट्राई करने के बाद मालूम हुआ, एक बार बच्ची फोन करी रॉन्ग नंबर से, ऐसा ऐसा है बच्चा धमका रहा मेरे को, ऐसा ऐसा कर रहा बोल के बोले, लॉज में लेके जाके भी रहा कहते 2 दिन, फिर उसके बाद घर पे ला के छोड़ के कल बोल रहा मेरे को, हम लोग जब बात करने गए तो बोल रहा नहीं हम लोग घूमने गए थे ऐसा ऐसा बोल के, मैं शादी नहीं करता बोल के साफ बोल दे रहा, और उनके शोहर भी उनको छोड़ते बोल रहे, बच्ची रोड पे आ गई अब करना क्या बोल के, हम लोग पुलिस को आए हुए है। हाँ हाँ शादीशुदा थे, अब उन शोहर नहीं देते थे, तकलीफ देते थे बोल के ना ये कदम उठाए थे, चलो भाई कहाँ के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हैं उनके हस्बैंड, कहाँ पे फिलोखत कहाँ है, अब उन्होंने फिलोखत बाबा नगर में रहते, उन्होंने टीचरिंग करते कुत्तापेट में, जामियतुल उमर साहब है, मोहम्मद उमर है, उनकी पहली बीवी है ये, नहीं नहीं उनकी तीसरी बीवी है ये, उन्होंने पहले 2 कर लिए हुए है कहते, नहीं बोले थे हम लोग को धोखे से करे हमारे साथ ऐसा, हमारे अम्मा तकलीफ में थे बोल के, उन्होंने हमारे अम्मा को बोले मैं सब देता हूँ मैं करता हूँ बोले, लेकिन कुछ भी नहीं देखे, ऐसी ऐसी कर दी उन्होंने। ये निकाह कहाँ पर हुआ अम्मा? महाराष्ट्र में हुआ, हमारे गांव को हुआ। आप लोगों को नहीं मालूम था फिर? नहीं 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 मालूम था, हमको मालूम हो गया भैया 15-20 दिन हो रहा, उनको 3-2 बीवियाँ हैं बोल के ऑलरेडी, पहले निकाह हो गई कितना वक्त हुआ? साल हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद हाल ही में मालूम हुआ। हाँ हाँ इस तालुक से आपने PS में दिए कंप्लेंट? नहीं 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 दिए थे, चलो भाई अब गुजारेंगे जिंदगी ऐसी बोल के रह लेते हमारे बहन, लेकिन बच्चा बहुत तकलीफ दे रहा था वहाँ के। कुछ बच्चे हैं उनको? नहीं 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 है, नहीं नहीं है। जनवाग में किस तालुक से कंप्लेंट दिया? वो बच्चे के नाम पे दिया, बच्चा करता बोला फिर ऐसा एंड पे धोखा दिया, उन्होंने रोड पे हो गए, उनके शोहर भी नहीं रख रहे, पहले शोहर से तलाक हुई होती? नहीं अब होने वाली है, अब देते फिर इनसे शादी करने का डिमांड है आपको? हाँ तो भगा के लेके गए मर्जी से गए आपके सिस्टर? नहीं अब उन्होंने दोनों क्या मिल के बात करे, हमारे बहन की भी मर्जी थी उसमें, अब दोनों की भी गलती, चले गए हमारे बहन लालू उसमें, चलो भाई करता हूँ अच्छा देखता हूँ बोल के चले गए थे। बच्चा शादी करता बोल के लेके गया लेकिन नहीं कर रहा बोल रहा, अब हमारे बहन रोड पे हो गए अब क्या करना। नहीं अब वो मतलब आपके पहले शोहर को रखते पे बहन गए ना? हाँ। तो वजह क्या थी वैसा जाने? वो शोहर तकलीफ देते थे बोल के गए, बच्चा भी डरा। आप लोगों से कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं करे शोहर कम बता रहे कर? हाँ करे थे हम भी बहुत बार बिठा के समझाए, लेकिन अब उन्होंने नहीं समझते थे उनके शोहर, 2 बीवियाँ हैं उनको पहले, अब उनको किस को देखेंगे बोल के, इनको नहीं रहते थे हम लोग गरीब है बोल के, उन्होंने फायदा उठाए। नाम क्या जो बोल रहे? इरफान है, मोहम्मद इरफान, उन्होंने बालापुर में रहते। बोले निकाह कर दो? हाँ हाँ बोले। उसके लिए क्या बोल रहे? कितने दिन से बातचीत चल रही इनसे? उसके लिए उनके क्या है उनके वास्ते हम लोग 4 घर बदले, उन्होंने 4 घरों पे भी हम आगे ऐसा परेशान करते थे, हमारे बहन को वैसे परेशान करते थे, उन्होंने वो बच्चा इस करता था जो इरफान है, उन्होंने आते थे चल चल जाएंगे मैं तेरे को बहुत प्यार करता ऐसा वैसा बोल के बातों में घुलाते थे। आपको PS में बुलाए तो हमारे पास कहाँ के प्रॉपर रहने हैं? हम ला महाराष्ट्र के हैं। यहाँ कब से हम आके 5-6 साल हो रहा। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स ओवेसी हिल हैदराबाद, कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।